बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्माण, आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। पबजी प्यार फिर सीमा पार, प्रेमी से मिलने पाकिस्तान से नोएडा आई महिला गिरफ्तार। प्यार कोई वजह नहीं जानता, या जैसा कि सीमा हैदर कहती रही हैं, प्रेम ही कारण है, एकमात्र कारण है। इस मई में 27 वर्षीय पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों के साथ कराची से निकली। उन्होंने दुबई के लिए और काठमांडू के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट ली। नेपाल की राजधानी से वे पोखरा गए और एक बस ली, जिसमें वे जांच के बावजूद अवैध रूप से भारतीय सीमा पार करने में सफल रहे, क्योंकि 4 बच्चों के साथ यात्रा कर रही एक महिला पर कोई संदेह नहीं हुआ। अगला पड़ाव दिल्ली था और थोड़ी दूरी पर उसकी मंजिल थी। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में 22 वर्षीय किराना स्टोर कर्मचारी सचिन का साधारण घर। इन दोनों की मुलाकात 2020 में महामारी के दौरान पबजी खेलते समय हुई थी। यह पहली क्लिक पर प्यार था। वे शादी करने वाले थे, लेकिन एक वकील ने पुलिस को हैदर के बारे में सूचित कर दिया। जोड़े को रविवार को हरियाणा के बल्लभगढ़ जाते समय पकड़ा गया। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनके लिए सब कुछ छोड़ा हूँ, मुझे वापस बिल्कुल भी नहीं, मैं वापस नहीं। घर पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं। सीमा आपको आने का रास्ता किसने बताया, किसने गाइड किया था? मैंने यूट्यूब से वही सर्च करा था। आपके भाई पाकिस्तानी आर्मी में हैं? नहीं सर। नहीं, आपने जमीन बेची थी क्या आने के लिए? आपने जमीन बेची थी क्या? आपके पति को पता है आप इंडिया में हैं? आपके परिवार में किसी को पता है आप इंडिया में? नहीं, अब तो पड़ गई होगी। क्या आपके परिवार में कौन कौन है? सीमा चलो हो गया। ये नेपाल आई थी। नेपाल आने के बाद हम नेपाल में मिले थे 10 मार्च को। मिलने के बाद ये हम कुछ दिन वहाँ पर रहे, वो अपने यहाँ पर चली गई, हम अपने यहाँ पर आ गए। अब दोबारा आई थी वो यहाँ पर, हम इधर से इधर घूम रहे थे। घूमने के बाद पुलिस ने हम पकड़ लिए। पुलिस ने पकड़ने के बाद अब यहाँ पर हैं हम। तो हम बस एक वो मांगना चाहते हैं कि हमारी बस सरकार शादी करा दे बस। दोस्ती कैसे हुई थी तुम्हारी उससे? पबजी से हुई थी। अच्छा, तो ये कैसे पबजी से खेल खेल कर यूट्यूब पे सर्च मार के किधर से किधर जाना, कैसे कैसे जाना। कहाँ रहने होने का है? आगे क्या प्लान रहने का? अब जो सरकार आज्ञा देगी वही तो होगा। अच्छा, तो प्यार अभी भी करते होगे? हाँ, प्यार अब भी करता हूँ। हम बहुत प्यार करते हैं आपस में। सरकार से क्या मांग कर रहे हो? सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी शादी करा दें, हमारा घर बसे बस।